वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी BSc सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम बैंड सिद्धांत के आधार पर इंसुलेटर, कुचालक, कंडक्टर चालक और सेमी कंडक्टर अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं कि जो बैंड थ्योरी होती है वो इंसुलेटर को कैसे परिभाषित करती है, डिफाइन करती है, इंसुलेटर यानी कि क्या, कुचालक। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं। एक बात आप ये ध्यान रखना, कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि परमाणु के स्ट्रक्चर की बात करी थी कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसमें एक तो क्या होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इसके बाद इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर की ऑर्बिट होती है, कक्षा होती है, सबसे बाहर की जो ऑर्बिट होती है, कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात, क्या बोलते हैं हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, सबसे बाह्यतम कोश में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, तो ये कौन से बैंड में माने जाते हैं, संयोजी बैंड में माने जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर ये एटम, इसको हम एटम को या परमाणु को ऊर्जा देते हैं और ये एटम से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए, तो हम बोलते हैं ये कौन से बैंड में चला गया, चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, और जितनी एनर्जी चाहिए होती है इसे एटम से बाहर निकलने के लिए, कक्ष से बाहर निकलने के लिए, वो क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। क्लियर है, तो आज हम किसको समझा रहे हैं, इंसुलेटर को। इंसुलेटर या कुचालक क्या होते हैं ना, तो देखो बैंड थ्योरी क्या कहती है कुचालकों के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, कि जी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जीरो केल्विन ताप पर, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो हमारे पास क्या होता है, संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड, या फिर हम बोल देते हैं क्या, वैलेंस बैंड, और एक होता है हमारे पास क्या, चालन बैंड, या फिर हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड। ठीक है, कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जीरो केल्विन ताप पर। ऐसे पदार्थ है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो संयोजी बैंड होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी संयोजी बैंड में बाह्यतम कोश में है, अब इसको मुक्त होने के लिए कितने ऊर्जा चाहिए कुचालकों में, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर ये इसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए तो ये किस में पहुंच जाएगा, चालन बैंड में, यही मतलब हुआ ना इसका, और मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे पदार्थों को किस पर रखते हैं, 300 केल्विन ताप पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य ताप, नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, पर रखते हैं, तो क्या होता है कि ये जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो बाह्यतम कोष में, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इतनी एनर्जी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते कि ये संयोजी बैंड से किस में पहुंच जाए, चालन बैंड में पहुंच जाए, वैलेंस बैंड से किस में पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। अर्थात कंडक्शन बैंड क्या होता है, रिक्त होता है।
इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ ही नहीं, और हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। अब करंट फ्लो नहीं होती इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम कुचालक बोलते हैं। कुचालक में क्या नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो इसको कैसे समझा सकते हैं, बैंड सिद्धांत के अनुसार कुचालक इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं, वे मैटर होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें जीरो केल्विन ताप पर जो मैंने बोला है वही लिख रहा हूँ, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य क्या वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग कितना, अप्रोक्सी कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है ये वाली बात। अब इन्हें हम किस पर देखते हैं ऐसे पदार्थों को, सामान्य ताप पर जिसे हम बोलते हैं कितना, 300 केल्विन बोलते हैं। इतनी ऊर्जा जैसे ही ऐसे पदार्थों को हम 300 केल्विन ताप पर ले जाएं, इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते, इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते कि ये संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए। यानी कि अगर हम कुचालकों को कितने ताप पर रख दें, 300 केल्विन पर रख दें, तो भी एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहा है, देखो मुक्त नहीं हो रहा है। और मुक्त नहीं हो रहा है यानी किस में नहीं पहुंच रहा है, चालन बैंड में नहीं पहुंच रहा। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कुचालक होते हैं। अब देखो एक बात और सुनो, इंसुलेटर जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्योंकि कंडक्शन बैंड में पहुँच ही नहीं रहे, मुक्त हो ही नहीं रहे हैं ना, तो इसमें धारा प्रवाहित भी नहीं होती है, कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो प्रतिरोध कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और चालकता क्या होगी फिर इसकी, कम होगी। प्रतिरोधकता तो बहुत ज़्यादा होती है और चालकता क्या होती है, बहुत कम। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी और चालकता मतलब कंडक्टिविटी है ना। पहुंच जाए इनकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, इनकी प्रतिरोधकता क्या अधिकतम, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होती है, इनकी प्रतिरोधकता अधिकतम तथा चालकता यानी कि कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ऐसे जो हमारे पास मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो ये थ्योरी है और ये इसका डायग्राम हो गया ना। इसके बाद हम सेकंड किसके बारे में पढ़ते हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर को भी कौन समझाता है हमारे पास, बैंड थ्योरी समझाती है। देखो कंडक्टर यानी कि क्या, चालक। ठोसों में क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं, एक तो वही हम बात कर दें क्या, संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड। एक क्या होता है हमारे पास, कंडक्शन बैंड यानी कि क्या, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब क्या होते हैं ये, देखो क्या होते हैं, सुनना है ना ध्यान से। चालक या कंडक्टर जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो 0 केल्विन ताप पर, कितने टेम्परेचर पहले, 0 केल्विन ताप पर
संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है ना, वो कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि ये जो संयोजी बैंड है और ये जो हमारे पास क्या है चालन बैंड है, ये दोनों के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन बस क्या हुए हैं, यहाँ बाह्यतम कोश में हल्की सी भी इनको ऊर्जा मिल जाए, बहुत कम, तो ये क्या हो जाएंगे, जो संयोजी बैंड है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन में जो दर्शा रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ये बाह्यतम कोष में है, ये संयोजी बैंड मतलब बाह्यतम कोष में, आउटर मोस्ट सेल में। इसको थोड़ी सी भी अगर हम क्या दे दें, ऊर्जा दे दें, तो ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो चाहिए इसे ऊर्जा, बस ये है बाह्यतम कोष में, थोड़ी सी ऊर्जा मिली नहीं कि ये किस में पहुंच गए, चालन बैंड में, सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, किस में, कंडक्टर में। तो 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे ही हम इन्हें कितने ताप पर ले जाते हैं ऐसे पदार्थों को, 300 केल्विन ताप पर, तो क्या होगा, जो आपके पास चालन बैंड होता है और जो ये कंडक्शन बैंड होता है, ये ओवरलैपिंग कर जाते हैं, अति व्यापन कर जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 300 केल्विन ताप पर। कितने ताप पर की बात है ये, 300 केल्विन ताप पर, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। और इसी के कारण चालक जो होते हैं उनमें क्या प्रवाहित होती है, धारा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बहुत अधिक मात्रा में मिल गए। ठीक है, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो होता है ना, वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 300 केल्विन यानी कि सामान्य ताप पर ऐसे पदार्थों को जब हम लेकर जाते हैं, तो इनमें जो ये जो बैंड होते हैं ना, ये ओवरलैप कर जाते हैं, अति व्यापन हो जाता है इनका, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच गए, हमारे पास चालन बैंड में, मुक्त हो गए। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है, करंट फ्लो होती है, इसलिए हम कहते हैं कि चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये किसने समझा दिया, बैंड थ्योरी ने पढ़ा दिया। यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का मतलब किस में पहुंच गए, चालन बैंड में पहुंच गए। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम, अच्छा इनकी चालकता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, जबी तो करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, प्रतिरोधकता जो होगी वो बहुत कम होगी, प्रतिरोध बहुत कम होगा ना चालकों का, जबी तो करंट फ्लो होगी। तो कंडक्टर क्या होता है, देखो बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक कंडक्टर वे मैटर होते हैं जिनमें 0 केल्विन ताप पर, जिनमें 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है हमारे पास, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0 केल्विन ताप पर कितना हो गया हमारे पास, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 0 होता है। तथा इनमें 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर, 300 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, अति व्यापन करते हैं। इनकी चालकता क्या होती है, बहुत
अधिक होती है, इनकी चालकता बहुत अधिक होती है, जब ही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए करंट फ्लो होती है आराम से। प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत कम होती है। प्रतिरोध कम होगा जब ही तो करंट आसानी से फैले फ्लो होगी। प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत कम होती है। तो ये बातें जब मैं लिख देता हूँ तो मुझे पता है कन्फर्म है आपको रटी जाती होगी, है ना। अब तीसरे जो पदार्थ है ना उनके बारे में और पढ़ते हैं हम, वो कौन से होते हैं? सेमी कंडक्टर हैं, जिसके जो पूरी की पूरी बुक में जो हम पढ़ेंगे हम, है ना, किसके बारे में? सेमी कंडक्टर के बारे में। देखो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं अब हम तीसरा? सेमी कंडक्टर के बारे में, अर्धचालकों के बारे में। बिल्कुल आएगा समझ में, देखो अर्धचालक यानी कि क्या? सेमी कंडक्टर। एक बार क्लास में सुन लिया तो लगभग लगभग याद हो जाएगा। देखो इनमें क्या होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, सेमी कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जीरो केल्विन ताप पर जो संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड है ना, और एक होता है हमारे पास क्या? चालन बैंड। चालन बैंड एक तो होता है हमारे पास क्या? संयोजी बैंड, और एक होता है चालन बैंड, यानी कि ये क्या बता रहा है? कंडक्शन बैंड है ना, और ये क्या है? वैलेंस बैंड। ऐसे पदार्थों में संयोजी बैंड और जो चालन बैंड होता है इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? संयोजी बैंड में होते हैं। संयोजी बैंड में होने का क्या मतलब है? परमाणु के कहाँ होंगे? बाह्यतम कोश में ही हैं, यानी अभी परमाणु से वो क्या है? जुड़े हुए हैं। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया? नहीं मिला। मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया क्या? नहीं मिला। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिला अर्थात चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा है। तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? जब मुक्ति नहीं हो रहे हैं तो फ्री नहीं हो रहे हैं तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? जीरो केल्विन ताप पर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थों को जब हम 300 केल्विन ताप पर लेके जाते हैं, कितने ताप पर? सामान्य ताप, 300 केल्विन ताप, तो क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है? संयोजी बैंड है, वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास क्या है? चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो और ये संयोजी बैंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जुड़े हैं। जब ऐसे पदार्थों को हम किस कहाँ लेके जाते हैं? 300 केल्विन ताप पर रखते हैं, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो संयोजी बैंड से किस में पहुँच जाते हैं? चालन बैंड में पहुँच जाते हैं। संयोजी बैंड से किस में पहुँच गए? चालन बैंड में। चालन बैंड में पहुँचने का मतलब है कि ये यहाँ से क्या हो गए हमारे पास? मुक्त हो गए। संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचने का मतलब क्या हो गया? मुक्त हो गया, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए, जिसके कारण क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो 300 केल्विन ताप पर क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालक की तरह व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अर्धचालकों की क्या परिभाषा बनी? सेमीकंडक्टर की क्या डेफिनेशन बनी? कि ये ऐसे मैटर, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीरो केल्विन ताप पर किसकी तरह बिहेव करते हैं? कुचालक, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और 300 केल्विन ताप पर ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। जीरो केल्विन ताप पर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो फोरबिडन एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वो लगभग कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। जैसे ही हम इसे 300 केल्विन ताप पर लेकर रखते हैं, मतलब रख दो कमरे में रख दो, तो क्या होंगे हमारे पास? जो हमारे पास संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में पहुँच जाएंगे?
चरण बैंड में पहुंच जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का मतलब ये परमाणु को समझ लेना, एटम को समझ लेना है ना, यानी कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया, फ्री मिल गया हमें, फ्री मिल गया तो करंट फ्लो हो सकती है, यानी कि ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालक की तरह व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन ताप पर चालकता अधिक होगी या प्रतिरोधकता, करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे 0 केल्विन ताप पर, तो हमारे पास धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो प्रतिरोधकता अधिक होती है, चालकता क्या होती है कम। 300 केल्विन ताप पर क्या होगी, हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है बाह्यतम कोष से मुक्त हो गए। क्लियर है ये वाली बात? और अगर ये चालन बैंड में पहुंच गए तो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए यानी फ्री हो गए, तो हमारे पास क्या फिल हो जाएगी, करंट। तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, देखो अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर कुचालक की तरह तथा सामान्य ताप पर चालकों की तरह व्यवहार करते हैं क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, 0 केल्विन ताप पर इनके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, बताओ कितना होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। 0 केल्विन ताप पर जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पा रहे ना कोई भी, अतः किसकी तरह बिहेव करेगा ये हमारे पास, अतः ये कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, इंसुलेटर की तरह। फिर हम बात करते हैं कितने पर, 300 केल्विन, परंतु 300 केल्विन ताप यानी कि क्या, सामान्य ताप, ठीक है। 300 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, यानी उनको सामान्य ताप पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाती है सामान्य ताप से, और वो संयोजी बैंड से कहाँ पहुंच गए, चालन बैंड में, यानी मुक्त हो गए, जिसके कारण ये चालकों की तरह यानी कंडक्टरों की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। चालकों की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो आप ध्यान रखना इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, एक तो सिलिकॉन के बारे में, ठीक है। जितने भी हम अर्धचालक पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर वो सिलिकॉन और किसके बारे में पढ़ते हैं, जर्मेनियम।
अर्धचालक के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। आगे की क्लास जब आप पढ़ोगे ना तो सारी जो है वो किस पर बेस्ड है, अर्धचालकों पर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है ना, जितनी भी यूनिट है आगे की। तो इसको अच्छे से याद रखना, 0 केल्विन ताप पर कैसे और 300 केल्विन ताप पर किस तरीके से ये क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, है ना। इसके बाद इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।